प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो जाए और मगन हो जाए। परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष दे। भजन संहिता 128 एक आशीष का भजन संहिता है, उसमें अगले शब्द लिखा है, तो तीसरा आयत में लिखा, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता से होगी, तेरे मेज की चारों ओर तेरे बालक जलपाई की पौधे से होंगे। जैतून की ओलिव ट्री, ओलिव ट्री। आपके बच्चे कैसे होंगे? ओलिव ट्री के समान होंगे, जलपाई की पौधे के समान होंगे। अभी पौधे हैं, वो बढ़ेंगे, जो बढ़ेंगे वो भी फ्रूटफुल हो जाएंगे। ओलिव ऑयल दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा वाला ऑयल है, हर देश के लोग इस्तेमाल करते हैं, हर देश के लोग उस तेल को, तेल से खाना बनाना पसंद करता है, सिर में लगाना पसंद करता है, बॉडी मसाज करना पसंद करते हैं उस ऑयल से, क्योंकि ये ऑयल बहुत प्रेशियस है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, हर बात के लिए वो ऑयल अच्छा है। तो बाइबल कहते हैं और ये ओलिव ट्री ऐसा है, बहुत लंबे समय तक, सालों तक रहता है, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल, उससे भी ज्यादा। कुछ कुछ ओलिव ट्री ऐसा है कि 1000 से 2000 साल तक भी से भी जिंदा रहने वाला ओलिव ट्री अभी भी है, 2000 साल से ऊपर, तो उसका लंबा लाइफ होता है। और 2000 साल होने के बावजूद भी वो अभी भी फल देता है। तो मैं आपको बोलना चाहूं, बाइबल हमारे संतानों के बारे में कहते हैं वो ओलिव ट्री के समान होंगे, फ्रूटफुल होंगे, बहुत अच्छा होंगे, आशीषित होंगे। परमेश्वर की भय मानने वाला, परमेश्वर के रास्ता में चलने वाला एक परिवार को प्रभु किस प्रकार आशीष देता है, उस व्यक्ति, उस आदमी को, उस पुरुष को, स्त्री को, उनके बच्चों को परमेश्वर किस प्रकार आशीष देता है, बाइबल बहुत साफ हमें सिखाता है। हालेलुया, परमेश्वर आपको, आपकी संतानों को आशीष दे। आपकी संतान दुनिया के लिए सिरदर्द नहीं बनेगा, दुनिया के लिए आशीष बनेगा। आपके बच्चों को लंबे उम्र मिलेगा, लंबे उम्र मिलेगा, प्रभु उनको आशीष देंगे, सारे दुनिया के लिए प्रभु उनको आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू। शालोम।